सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महान्यूज से गजब 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 अद्भुत बात करने वाले ऐसे शाम को 8 बजे आपके पास आषाढ़ शुक्ल का अब पक्ष शुरू हो गया है। आज पहली तारीख सादर जैन करते हैं आज की शुरुआत। कुछ गजब की तरह बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं फोटो वोटो बाद में देख लेंगे आप, फोटो थोड़ी बात नहीं। हमारे तरह एक भाई थे शैलेश भाई, दिमाग बहुत तेज था, बहुत अच्छी लौकिक शिक्षा ग्रहण की, पढ़ाई में तेज, एक आध डिग्री शायद याद है उनकी, बीटेक भी किया उन्होंने, शायद PGDCA भी किया, हाँ MBA भी किया था उन्होंने, CFA भी किया था और भी कई किए थे, इतनी याद रहे भाई बस। करते करते मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर नौकरी लग गई और शुरुआती पैकेज मिला 1,20,00,000 का पैकेज मिल गया। कितनी अच्छी बात है एक जैन भाई की, शैलेश जैन की नौकरी इस तरह मिल जाए। लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ, इतने में सौभाग्य मिल गया। कहते हैं प्रातः स्मरणीय वंदनीय आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के दर्शन का, हम तो चरण पकड़ते रहते हैं उसी पर रगड़ते टांग खींचते रहते हैं, कभी आचरण को पकड़ने की कोशिश नहीं की। पर उसने सोचा अगर चरण ही पकड़ता रहा तो मन में रण चलता रहेगा और बीच में रण में राह हट जाएगा तो वहाँ खाली कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे हजारों लाखों उनके भक्त आज भी देखे हैं, हम जैसे आप जैसे। लेकिन उसने शैलेश ने एक बार देख लिया कि ये चरण नहीं, इससे आगे बढ़ के अब मुझे आचरण भी पकड़ना चाहिए। और हाँ 1,20,00,000 की पैकेज लात मार दी। हर की इच्छाएं होती हैं ऊपर, हाँ मुझे भी चढ़ना है, मुझे भी बढ़ना है। पर उसने कहा मुझे 1,20,00,000 की जगह 2 का पैकेज नहीं, उसने कहा मुझे दूसरा पैकेज लेना है, अब संसार से दूसरी यात्रा जो आगे भव्य भी काम आए। जी हाँ, उसने अध्यात्म का मार्ग पकड़ लिया, गुरुवर का मार्ग पकड़ लिया, उसने संसार छोड़ के गुरुवर की शरण ले ली। सोचते हैं आप ऐसा भाग्य सौभाग्य कि हमारी दिमाग बुद्धि फिरती है, नहीं फिरती है। और फिर बदल बदल के उसने जब आचरण पकड़ा, उसका स्वरूप देखकर, उसका अंदर का व्यक्तित्व देख के गुरुवर भी प्रसन्न हो गए। और पता है क्या बना दिया शैलेश गुरु ने, यह चित्र देखिए, देख लिया पहचान गए आप, मुनि श्री वीर सागर जी बन गए। अब तो उपसंग बन गया उनका, हाँ उनके साथ अब संग चलता है। वीर सागर जी धवल सागर जी पहले थे, अब और भी उनके साथ चल रहे हैं, शुल्लक भी चल रहे हैं। और अब समय चल रहा है विहार उनका, वीर सागर जी का विहार चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, पुणे में चल रहा है। और पता है आज आपके पास ये स्टोरी क्यों लाए, ये भूमिका, ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है, क्योंकि वह इस तस्वीर के बाद शुरू होती है। अब यह तस्वीर देखिए, हाँ पिक्चर इस तस्वीर की है, कहानी इस तस्वीर की है, क्या इसमें समझ आपको भी नहीं आ रहा, हमें भी नहीं आया। जैसे लेडीज़ भी लैपटॉप पे लगी हुई हैं, कहाँ कहते हैं लैपटॉप वैपटॉप मोबाइल छोड़ो अध्यात्म में लगो, आदमी भी काम कर रहे हैं और सारे अधेड़ रूप में हैं, कोई एंगेज नहीं है, तो ऐसा क्या काम कर रहे हैं। कहानी हम वीर सागर जी की बता रहे हैं, पुणे विहार चल रहा है, पुणे में, जी हाँ पुणे में चौमासे की तैयारी है। इन्होंने जैसे ठान लिया है विहार कराते रहेंगे और गुरुवर का चतुर्मास पुणे में ही कराएंगे। लैपटॉपों से क्या मतलब समझ में नहीं आया, सारे के सारे जो विहार करा रहे हैं ना, सारे के सारे लगभग 95% नौकरी पेशा हैं, नौकरी नहीं छोड़ सकते। सबने अपने अपने एम्प्लॉयर से बात करी कि हमें काम दे दीजिए, काम नहीं छोड़ते, पर हमें गुरुवर का प्रवास के लिए, विहार के लिए हमें पहुंचना है, उनका विहार कराना है अच्छे तरीके से और पुणे में चतुर्मास कराना है, इसलिए हमें उनके साथ रहना है, सुबह भी रहना है, शाम को भी रहना है, हर वक्त रहना है। हमें जो काम जैसे अपने 2 साल पहले ये था, वही वर्क फ्रॉम होम हमें अब दे दीजिए। एम्प्लॉयर भी गदगद, उन्होंने भी कह दिया स्वीकार है और इन्होंने भी कहा स्वीकार है। देखिए यह जो दृश्य देख रहे हैं, इसी तरह विहार कराते कराते वर्क फ्रॉम होम ऑफिस का काम चल रहा है और गुरुवर के विहार के लिए पुणे के चतुर्मास की जैसे पक्की बात की जा रही है। ऐसे अनोखे रूप में विहार, ऐसे अनोखे रूप में कार्य और ऐसे चतुर्मास के लिए कोशिश करना शायद अब तक के इतिहास की पहली घटना है, अनोखी घटना है, जो शायद आप में से अधिकांश नहीं सोच सकते, है ना बढ़िया बात। संभवत आचार्य श्री के बाद उनके खास शिष्य का यह है हमारे वीर सागर जी निरपक्षमण, जिनका चतुर्मास संभवतः पुणे में होगा। इस तरह की भक्ति जब होती है तो कहते हैं वहीं पर भक्ति अपने आप निछावर हो जाती है और चतुर्मास उनके यहाँ हो ही जाता है। बहुत दिनों से आपको यह दृश्य नहीं दिखाए, आज दिखा रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे भी कुछ राज होता है, पाषाण बोलता है या भगवान बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। यह स्वतः अभिषेक देवाभिषेक हो रहा है, देव द्वारा हो रहा है, या रहली पटनागंज के कल के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। ये
किस तरीके से देखिए, स्पष्ट दिख रहा है, जलबिंदु झलक रहा है, स्वतः ही अभिषेक की क्रिया किस तरह हो रही है, आनंद कर रही है। अब यह क्यों होता है, वैज्ञानिक कुछ भी कहें, ज्ञान कुछ भी कहे, पर लगता तो कुछ अलग ही है, विशेष ही है, जो रहली पटना गज में स्वतः अभिषेक की क्रियाएं आप देख रहे हैं। स्वतः अभिषेक मस्तक से हो रहा है और सबको आनंदित करता है। क्या है कारण, यह समझ से बाहर हो जाता है। और यह अब दृश्य देख लीजिएगा, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के परम शिष्य, हाँ आचार्य विश्वास तुम्हें कहाँ हो रहा है जानते ना, अभी बताएंगे आपको थोड़ी देर में, पर हाँ ये देखिएगा, मुनिषी आदित्य सागर जी नीमच की ओर जा रहे हैं जहाँ चतुर्मास होना है। और देखिए दृश्य क्या दिखाने चाहते हैं, वह देखिएगा, दिगंबर संत जिनको आंखों के ऊपर रखते हैं, मस्तक में रखते हैं, वह जब विहार करते हैं तो किस तरीके से सिंहासनों पर बैठते हैं वह दिखा रहे हैं। कोल तार की जो सड़क होती है ना, जो तप जाती है गर्मी से, जिस पर पैर रखना मुश्किल होता है, उस पर आराम से इस तरह बैठे हैं जैसे किसी गद्दे पर आपको बैठा दिया हो। यह फर्क होता है तप त्याग की पराकाष्ठा का, जिन्हें इस आपके मखमली गद्दे, हमारे मखमली गद्दे, वह सड़क जो कोल तार की होती है, उन दोनों में कोई भेद नहीं होता है। जहाँ बैठ जाए वहीं बैठ के वहीं संघ बन जाता है, वहीं चतुर्विध संघ बन जाता है और वहीं पर धर्म भावना शुरू हो जाती है। यह दृश्य कुछ यही संकेत। हाँ आपसे कहा था ना अभी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के बारे में, उनके गुरु, अब उनके बारे में बात करते हैं। तेजी से विहार चल रहा है, कर आगरा पहुंच गए थे, ताज नगरी जिसे आप कहते हैं, और वास्तव में एक समय वह बहुत बड़ी जैन नगरी रही थी। खुदाई कहीं भी कर लेना, आज भी आपको वह अवशेष मिल जाएंगे कि यहाँ पर कभी कभी एक जैनों की पूरी बस्ती बसी थी। इसके कई आंकड़े आज भी हमारे सामने हैं। तो हाँ, बड़ा जबरदस्त प्रवेश हुआ जो आप ये देख रहे थे। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी पहुँच गए हैं इस समय आगरा में, और वहाँ संत ने लगा अभी एक उन्होंने शुरू किया आशीर्वाद सुनने साने से, वह भी दृश्य थे। अब जा रहे हैं कहाँ, बड़ौत में होगा इनका चतुर्मास। अब यूपी नगरी में तो आ ही गए हैं, बड़ौत की तैयारी हो रही है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी 19 पिच्छी के साथ, वो तो आप जानते रहे, अभी यार बिपार जी आया था, तूफान, एक अजब तूफान, सबसे लंबा तूफान कहते हैं, अरब सागर जुड़ता गुजरात से अंदर प्रवेश किया था, और वह गुजरात से घुसते घुसते राजस्थान और कुछ चोट आज दिल्ली में भी कर गया। देख रहे हैं बारिश हो रही है, सब उसी के दिया हुआ है जो हो रहा दिल्ली में हुआ। आज मौसम बदल गया, उमस उतनी ही रही, मगर हाँ जब बिपार जी अजमेर पहुँचा, घटना कल की बताते हैं, परसों की घटना, शनिवार की घटना है, पहुँचा तेज तूफान। उससे पहले तूफान में पहले ये देख रहे हैं आप, ये भी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के शिष्य दिख रहे हैं, खड़े हो गए ऊपर मुनिश्री संकल्प सागर जी, सामायिक ध्यान के लिए अनवरत कुछ घंटे खड़े रहेंगे, जैसे ये संकल्प करके संकल्प सागर जी खड़े हो गए। उधर से दस्तक दे दी बिपार जगह तूफान ने, ठा ठा, एकदम पहले जो तप रहा था जिसमें ध्यान में बैठे थे, अचानक वह बरसने लगा। आंधी शुरू हुई बहुत तेज तेज हवा में, और फिर तूफान के रूप में बारिश में बदल गया। लेकिन क्या मजाल, जब एक बार संकल्प कर लिया है तो डिगाने वाला कौन है, कोई जितने मर्जी उपसर्ग कर ले। यह आप देख रहे हैं मूरत बनी रही उस 2-3 घंटे तक, जब तक तूफान आया भी चला भी गया और ये मुस्कुराते हुए नीचे उतर आए। यह होती है ना, कहा था अभी, तप त्याग की पराकाष्ठा दिगंबर जैन संतों की। ये दृश्य देख रहे हैं आप, पहचान लिया आपने, हाँ अब तो सब पहचानते दिल्ली वाले, आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज आज ही तक हैं बस विहार में, कल इनका हो जाएगा विहार बिहारी कॉलोनी के लिए। पर हाँ ये चित्र क्या कह रहे हैं, महाश्रमण जी के आचार्य जी के सुयोग्य शिष्य कमल कुमार मुनि जी को देख रहे हैं। ये कमल मुनि जी बहुत गजब के प्रवचन करते हैं, गद्यों में करते हैं और बड़े गजब के प्रवचन होते हैं, आए थे दर्शन कर लिए। और कहते हैं जब जैन समाज की दो धाराओं का संगम होता है तो प्रयागराज बन जाता है, ज्ञान का राज बन जाता है। जहाँ पर इन दोनों ने सब कहा कि हमारी जैन संस्कृति में कटिंग यानी एक दूसरे को काटना नहीं सिखाया, यहाँ कटिंग नहीं सेटिंग होती है, जहाँ पर दो धाराओं का मिलन अभूतपूर्व होता है। तत्व चर्चा हुई, ज्ञान चर्चा हुई, और दोनों ने जब प्रवचन दिए तो सभी का मन मोह लिया। और एक और दृश्य एक फोटो के साथ, अरे अष्टमी आए या चतुर्दशी आए, ये जो सबसे बड़ा वर्तमान संघ चल रहा है समय आचार्य श्री सुनील सागर जी का, उसमें हर बार आपको केश लोच के दृश्य दिख जाएंगे। कहते हैं उत्तम किस रोज करते हैं, जहाँ 3 महीने हुए नहीं पर किसका नंबर है, शुरू हो जाओ बस अष्टमी को, नहीं तो एक साथ 3 माता जी के केश लोच हुआ विवेक विहार में चतुर्दशी के दिन, देख रहे हैं। और अब दृश्य श्री सम्मेद शिखर जी, अंदर चले गुणायतन,
पहचाने मुनि श्री प्रमाण सागर जी, और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे जी। भविष्य क्या कहता है, जल्दी राजस्थान में चुनाव होने वाला है। कारण क्या होता है, मेरा जो दर्जा पहले था वही मिल जाए। बस इन्हीं शब्दों के बीच में पूरी कथा अंकित हो जाती है। मुनि श्री प्रमाण सागर जी से आश्वर्य लेते हुए, वैसे जैन संतों में बार बार आती रहती हैं, इसलिए यह नई चेहरा नहीं है, बार बार आती हैं, भावना भाती हैं। एक समय जो मेरी वैल्यू थी, मेरी पहचान थी, इन्हें चुनाव में वही मिल जाए, शायद भावना यही भाती है। और गुरुवर कह रहे हैं, धर्म के रास्ते में राजनीति धर्म के साथ हो, पर धर्म के अंदर राजनीति ना हो, शायद कुछ इसी तरह का उपदेश दे रहे हैं। फिर मिलेंगे सुबह आपके साथ एक बहुत बड़े चिंतन वाले विषय के साथ, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, जो कहते हैं कि पशुओं को काट काट के विदेश भेजते हैं, ये उनके शब्द हैं। और आज उनके राज में अरे काट काट के तो भेज के रिकॉर्ड बना दिया है, अब जिंदा भेजने की तैयारी हो रही है, विधेयक की तैयारी हो रही है, उसकी तारीख बढ़ती नहीं बढ़ती, वह क्या है, सब कुछ बताएंगे आपको कल सुबह 8 बजे। बहुत सोचने वाला चिंतन विषय अपने जैन समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, आरएसएस के लिए, बजरंग बली के लिए, उस शिवसेना के लिए, उस हिंदू सेना के लिए, उस नंदी को मानने वालों के लिए, उन सबको जो गौ माताओं को मानते हैं, उन सब के लिए। सादर जय जिने।